नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट वीकेंड अड्डा में। और आज मार्केट के साथ इकॉनमी का भी एक तड़का आपको इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रोथ के नंबर्स भी हमारे साथ हैं। और ग्रोथ प्लस मार्केट, जो कि बैरोमीटर है एकदम सेंसिटिविटी के साथ जो हमें नंबर बताता है, दोनों को मिक्स करके हम समझने की आज कोशिश करेंगे कि इकॉनमी की हालत क्या है और मार्केट उसको किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपने देखा होगा कि लास्ट वीक मार्केट ने न्यू हाईज बनाए और एक बहुत ही ज़बरदस्त रैली चैलेंजिंग टर्बुलेंट टाइम में आई, जबकि पूरी दुनिया एक्चुअली क्या है, तो बाइनरी में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत आगे रिस्क हो सकते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। दूसरी तरफ एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ग्लोबल मार्केट में, इंक्लूडिंग इंडिया। तो हमने एक न्यू हाई भी लगाया है और उसके साथ हमारे पास ग्रोथ के नंबर्स भी हैं। दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए आज हमारे साथ जो पैनल में विशेषज्ञ हैं वो दोनों के एक्सपर्ट हैं, यानी मार्केट के भी और इकोनॉमी के भी। मैं आपका परिचय करा देता हूँ। पहले हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम सर हैं, मार्केट वेटरन हैं और आजकल बहुत पैनी नज़र से बहुत ज़्यादा हम लोगों को समझा रहे हैं ये। पंकज जैन जी हैं, डब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर, और साथ ही आर के टक्कर सर हमारे साथ हैं, जो यूको बैंक के MD एंड CEO रह चुके हैं। और ये एक ऐसा सेक्टर है बैंकिंग, जिस पर मार्केट की, इकोनॉमी की, रेगुलेटर्स की, सरकार की, सब की बहुत पैनी नज़र है, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत सारे बदलाव हम लोग देखने को पा रहे हैं, तो उनको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही SKN वेंचर्स के सुशांत कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत क्विकली मैं नंबर्स आप लोगों के सामने रख दूँ। जो पहली तिमाही के नंबर्स हमारे सामने आए वो 6.7% आए हैं, अनुमान के लगभग बराबर। और अगर आप इसको क्वार्टरली देखेंगे, एनुअली देखेंगे, तो ये एक एडजस्टमेंट नंबर यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले के नंबर्स बहुत हाई ग्रोथ पे थे, लेकिन अब एक ऐसा लगता है कि एडजस्टेड नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप इसके अंदर के नंबर जाके देखेंगे, तो चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, माइनिंग का हो, या इवन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हो, अच्छी ग्रोथ उसमें देखने को मिल रही है। तो ये नंबर्स और प्लस हमारा मार्केट जो उसको पहले सेंस कर लेता है, उनको जेल करके देखें, समझें, तो ये कैसे लग रहे हैं। सुनील सर, आपसे शुरू करते हैं, तो दोनों को मिक्स आज कमेंट्री चलेगी, कैसे लगे आपको नंबर्स प्लस मार्केट उसको कैसे रीड कर रहा है? देखिए, ओवरऑल आई थिंक बाय एंड लार्ज RBI ने 7.1, मगर एक एक्सपर्ट्स का सर्वे लिया गया तो उसमें 6.85 और जो नंबर जो आई है 6.8 के करीब, उसका मैं समझता हूँ उतना ज्यादा फर्क नहीं है। तो यस, 7.1 से कंपेयर करें तो नेचुरली 6.8 30 बेसिस पॉइंट नीचे है, वो एक बात है। सेकेंड बात ये आपको अभी ध्यान रखना चाहिए कि कॉम्पोजिशन ऑफ दिस, तो वहां पे आप देखेंगे कि साफ दिख रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ऐसी प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे नंबर्स अच्छी आई है। शायद अग्री में थोड़ी कम है, वो सी चीजों में थोड़ी कम है, तो वो मार्केट के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अग्री का डायरेक्ट कोरिलेशन मार्केट को नहीं होता है। तीसरी बात है कि हर बार एक FI की आंखों से देखे तो शायद एक होता है उम्मीद के माफिक, दूसरा होता है बाकी देश के माफिक, बिकॉज अल्टीमेटली उनका एलोकेशन की बात होती है। और इस क्वार्टर में भी हमने चाइना को धो डाला, उनके तो 4-4.5 के आसपास आए, हमारे तो उससे करीबन 7% 8% ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत एक मे बी RBI की 7.1 में क्या गणित में क्या डिफरेंसेस आई, क्यों, ये थोड़ा विश्लेषण होगा और देखेंगे क्यों RBI ने 6.8 को ही नहीं प्रेडिक्ट किया, क्यों 7.1 किया, वो एक बात होगी। पर उसके अलावा इस हालत में 6.8 भी बहुत बेहतरीन ग्रोथ है, और उसमें खास करके मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ अच्छा रहना स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। तो मेरे ख्याल में इसमें स्टॉक मार्केट में ज्यादा कुछ रिएक्शन इस डेटा के कारण, कोई बदलाव इन लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट या नॉमिनल GDP भी 9.8% के करीब आई है, तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट नॉमिनल GDP को बीट करती है, तो डबल डिजिट प्लस रिटर्न स्टॉक मार्केट से अभी भी निवेशक उम्मीद रखेंगे। तो इसीलिए मेरे ख्याल में ये उतना एक मार्केट को हिलाने वाली GDP का डेटा इस बार उतना नहीं है। ओके टक्कर सर, GVA का नंबर देखेंगे तो इम्प्रूव्ड है वो, 6.4 के अनुमान के सामने 6.8, लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं क्वेश्चन के रूप में जोड़ रहा हूँ। पहला क्वार्टर इलेक्शन का साल था हमारे लिए, पूरा क्वार्टर एक्चुअली उससे इम्पैक्टेड था, और अगर आप देखें तो नंबर एक तरीके से लगता है कि आप स्ट्रीमलाइन होते हुए दिख रहे हैं। कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नंबर हुए, लेकिन पहले क्वार्टर में अगर इस तरह का नंबर आ रहा है, और वो भी इसलिए क्योंकि उस क्वार्टर में इलेक्शंस थे, बहुत सारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हालांकि उसके इंटरनल नंबर अच्छे हैं, फिर भी स्पेंडिंग इम्पैक्टेड थी, प्राइवेट ग्रोथ के नंबर इम्पैक्टेड रहे होंगे,
तब आप इसको देखते हुए आपको नंबर कैसे लग रहे हैं? देखिए आज जो आंकड़े आए हैं एज पर, जैसे सुनील जी ने बोला, एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशन ही थे ऑलमोस्ट, जो कि एस्टिमेट थे 6.7 6.8 के आसपास के थे और एग्जैक्टली पे आया है। उसका जो अगर आप देखिए, जैसे आपने कहा कि लास्ट क्वार्टर में गवर्नमेंट स्पेंडिंग में फर्क आया बिकॉज इलेक्शन की वजह से, तो लोगों को यह था भी शायद इस बारी जो ग्रोथ है वो उसको हिट हो सकती है। और जो मेन कंसर्न था मार्केट का वो था रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और फॉर्चुनेटली जब जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग ने अच्छा काम किया है। उससे जो ये ग्रोथ है उसको सस्टेन करने के लिए, ये एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो एक पीछे थोड़ा सा, एक मैं कहूँ कि अनइवन सा चल रहा था, कभी लगता था कि ग्रोथ आ रही है, कभी लगता था नहीं शायद अभी, क्योंकि वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा दिख नहीं रही थी, उस पर थोड़ा कंसर्न था। तो ये उसको एक पुश देगा मैन्युफैक्चरिंग कि जो ओवरऑल हमारी कंट्री की प्रोडक्शन है, इकॉनमी है, वो अच्छा करे। और जो एक एग्रीकल्चर का थोड़ा एक आई थिंक सेटबैक है कि उसमें अभी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है, बट होपफुली अभी मॉनसून अभी तो अच्छा है, जबकि एक उसमें इशू ये है कि अनइवन मॉनसून आ रहा है, वो तो हम कई सालों से देख रहे हैं अब कि मॉनसून वो अब वो कंसिस्टेंट नहीं रह गया कि पूरे देश भर में एक जैसा है, कहीं अच्छा कहीं खराब। तो उसका इम्पैक्ट अगर थोड़ा ठीक रहा तो एग्रीकल्चर ग्रोथ भी आएगी, तो ये एक अच्छी फिगर है। और जो दूसरा एक और जो बेनिफिट जो हमें जो शायद गवर्नर साहब ने, रिजर्व बैंक ने ये भी बोला कि जो इन्फ्लेशन है वो भी अब थोड़ी मॉडरेट हो रही है, जो कि आरबीआई के जो एक कंफर्ट लेवल के अंदर होती है उसके अंदर आ रही है, तो वो एक भी एक इकोनॉमी को हेल्प करेगा। और जो ग्रोथ हमारी एक लार्ज बेस, अब बेस भी बढ़ गया है, तो उसको सस्टेन करने के लिए ये एक अच्छी खबर है। ओके पंकज जी, आपको कैसे लगे नंबर, क्विक रिएक्शन आपका इस पे? नंबर्स मेरे हिसाब से, नीरज जी नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी इन द शो। जी नीरज जी, नंबर्स काफ़ी स्टडी हैं, और जिस तरह का अभी मैं चर्चा कर रहा था किसी एक्सपर्ट से कि जो हमारा फिगर आया है, जो 6.7 का फिगर आया है, एक्सपेक्टेड लाइंस पे फिगर हैगा, और इसको अगर हम एक्सप्लोर करें कि जो पूरे ईयर का जो आरबीआई का एस्टिमेट है 7.2% का, क्या उस लेवल तक इन फिगर्स के आसपास से हम पहुँच पाएंगे? तो आई थिंक एट एंड ऑफ द ईयर टोटल ईयर में भी ये अनुमान माना जा रहा है कि 7% से हो सकता है थोड़े से डेसिमल पॉइंट हम नीचे बने रहे, बट इसमें अगर हम विज़ाविज़ इक्विटी मार्केट बात करें, विज़ाविज़ अपने कैपिटल मार्केट बात करें, तो आई थिंक काफ़ी एनकरेजिंग नंबर्स हैं जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स हैं, आई थिंक काफ़ी स्टडी हैं, अगर बहुत ज़्यादा गंगो नंबर्स नहीं है, काफ़ी स्टडी नंबर हैं। जो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के नंबर्स देंगे, आई थिंक वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिले हैं। माइनिंग के नंबर्स काफ़ी स्टडी नंबर्स देखने को मिले हैं। आई थिंक जो एक डिसअपॉइंटमेंट है, एक एक्सपेक्टेड डिसअपॉइंटमेंट थी, आई थिंक एग्री और सर्विसेज में, क्योंकि जिस तरह का इलेक्शन सिनेरियो था, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग डेफिनेटली कम थी पिछले क्वार्टर में, और एग्री को लेके किसी तरह, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो वेदर कंडीशन भी थी पिछले क्वार्टर में, काफ़ी सीरियस समर वेदर कंडीशंस थी, तो आई थिंक काफ़ी एक्सपेक्टेड लाइंस पे हैं, इसमें कोई भी एक नेगेटिव जर्क नहीं है, एंकरेजिंग नंबर्स हैं। और मेरे को लगता है अगर हम इकोनॉमी या मार्केट की तरह एक्सपेक्टेशन करें कि मार्केट का किस तरह रुझान होगा सोमवार को, आई थिंक मार्केट इसको पॉजिटिवली देखेगा। तो आई थिंक काफ़ी एनकरेजिंग नंबर्स हैं, एंड आई थिंक मार्केट जिस तरह एक्सपेक्ट कर रही थी, स्टडी लाइन पे, एक्सपेक्टेड लाइन पे नंबर्स हैं ये। ओके अच्छा, दो तीन आप लोगों ने नाम लिए तो मैं बताऊँ। कंस्ट्रक्शन ग्रोथ जो है ईयरली बेसिस पे 8.6 से बढ़कर 10.5% है, माइनिंग ग्रोथ 7 से बढ़कर 7.2%, और मैन्युफैक्चरिंग 5 से बढ़कर 7%, बहुत सिग्निफिकेंट तेजी है इसमें। और इलेक्ट्रिसिटी की ग्रोथ 3.2 से बढ़कर 10.4%, डेफिनेटली वो समर सीजन था तो पीक डिमांड वहाँ पर रही होगी। एग्री की जो बात करें उसको मैं एक पर्सपेक्टिव में रखने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं सुशांत जी आपके पास आता हूँ। एग्री ग्रोथ जो है YOY 3.7 से घटकर 2%, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.6 से बढ़कर 2%। तो क्या इसको ये इसका एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है क्या कि पिछले साल Q1 में नंबर्स बहुत अच्छे थे, फिर वो डिटेरिएट होते रहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और Q4 में आकर के वो बॉटम बना और वहां से अब Q1 में इंप्रूवमेंट हुआ, एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है ये? बिल्कुल, देखिए एग्रो और जो आजकल जो लेटेस्ट आया एग्रो टेक के साथ, लॉट्स ऑफ IITs आर गेटिंग इन्वॉल्व, बहुत सारा चीज टेक्नोलॉजी आया, ब्रिक्स नेशन के साथ इंडिया का एक लेवल बढ़ा है, एंड इंडियन करेंसी इज गोइंग अक्रॉस, सो लॉट्स ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी जो आया एग्रो में, दैट इज द
मेन राइज ऑफ द ग्रोथ एंड ऑल्सो थोड़ा सा जो गिरावट आई है थोड़ा सा आगे पीछे, आप जो थोड़ा सा इन्फ्लेशन देख रहे हो उसमें बहुत सारे स्टेडी प्लेयर्स आ रहे हैं एग्रो में. फॉर एग्जाम्पल रिटेल में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इंडिया में आ रहे हैं, लाइक आइकिया वॉलमार्ट काइंड ऑफ बड़े बड़े स्टोर्स जो खोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रो एंड ऑल्सो इन इन होम आवर, जैसे रिलायंस अदर इंडस्ट्री जो भी ग्रुप्स है वो एग्रो एंड अडानी जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स तो अपने हिसाब से जो एग्रो में ग्रोथ करवा रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये आ रहा है. एंड सेकेंड मैं मानूंगा कि बिकॉज और एक सबसे बड़ी रीजन है कि हमारा जो करेंसी इज गेटिंग एक्सेप्टेड अक्रॉस ग्लोबल, ये तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी के इन्फ्लक्स की वजह से एंड आवर इंडिया का भी अपना भी जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से ये बहुत बड़ा सा ग्रोथ दिख रहा है. तो मैं यही बोलूंगा टेक्नोलॉजी मेजर फैक्टर इसमें. जी. अच्छा, अब मैं थोड़ा सा दूसरे साइड से भी तो सवाल पूछ लूं. सुनील जी, ये नंबर तो डेटेड है, 3 महीने पुराना.